नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन टेक गुरुकुल में। आज की वीडियो दोस्तों होने वाली है कैसे आप आईपैड 9 जनरेशन को लोएस्ट प्राइस में बाय कर सकते हैं, और क्या दोस्तों काफी सारे लोग बोल रहे हैं और फ्लिपकार्ट ने भी टीज किया है कि आपको 19999 में अप्रोक्स देखने को मिलेगा कि, तो क्या ये बात बिल्कुल सच है कि यहाँ पर आपको 19999 में ही आईपैड 9 जनरेशन देखने को मिलेगा? ये सारी चीजें जानेंगे, साथ में जानेंगे कैसे आप, अगर ये 19999 में ही देखने को मिलता है तो कैसे आप इंश्योर कर सकते हैं कि आप इसको लोएस्ट प्राइस में बाय कर पाए, कि मतलब बिल्कुल भी कोई ऐसा ना हो कि आपको मिले ही ना सेल के दौरान। तो वो चीज मैं आपको बताऊंगा कैसे आप बाई कर सकते हैं, और दोस्तों क्या-क्या इसमें ऑफर्स देखने को मिलेंगे, सारी की सारी डिटेल्स दूंगा। शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोस्तों आईपैड 9 जनरेशन के बारे में। तो यार आपको जैसे कि पता ही होगा कि अभी हाल ही में ही फ्लिपकार्ट ने टीज किया है, मतलब 2-3 दिन हो गए हैं कि ये आपको वहां पर 1 डिजिट लिखा है और आगे यहां पर आपको स्टार स्टार बने हुए हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप मान के चलिए कि जैसे कि सारे लोग गैस करें कि 19999 में ही आपको देखने को मिल जाएगा। तो क्या बात ये दोस्तों बिल्कुल सच है? नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल सच नहीं है। अगर ये सच होती तो मतलब अच्छी बात है, हो जाए तो सच की आपको 19999 में ही देखने को मिले, लेकिन मुझे नहीं लगता कि दोस्तों इस चीज से ये, मतलब इस टाइप से ये आपको देखने को मिल जाएगा इतने इजीली। यहां पर दोस्तों फ्लिपकार्ट ने नीचे, जैसे कि आप इसका पोस्टर देखिएगा, यहां पर नीचे छोटा छोटा लिखा हुआ टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। इसका मतलब ये है दोस्तों जैसे कि आपको अदर्स आईफोन्स वगैरह में देखने को मिल रहा है या फिर अदर्स जो फोन्स हैं उनके ऊपर ऑफर देखने को मिल रहा है, कुछ सिमिलर सा ही ऑफर यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। मतलब कैसे आपको डिस्काउंट देखने को मिलेगा? तो दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले तो फॉर एग्जाम्पल इसकी MRP जो भी होगी उसके ऊपर आपको देखने को मिल जाएगा कार्ड का डिस्काउंट, जो कि 10% हो सकता है, 5% हो सकता है, इस टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको पर्टिकुलर कार्ड चाहिए, ICICI का हो या फिर आपको पास एक्सिस का हो, एक दो और देखने को मिल रहे हैं डिस्काउंट वगैरह, तो उनके अगर आपके पास डेबिट या क्रेडिट कार्ड है तो उनके ऊपर ये डिस्काउंट देखने को मिलेगा। सबसे पहली बात तो ये है, तो उसके लिए आपके पास स्पेशल कार्ड होना चाहिए, मतलब ICICI का या फिर एक्सिस का, जो भी इन्होंने बैंक मेंशन कर रखे हैं। दूसरी चीज ये है दोस्तों, यहां पर जो असली कैच है इसकी प्राइस को लेकर, मुझे जो पक्का डाउट लग रहा है कि 19999 में आपको देखने को नहीं मिलेगा, वो ये है कि यहाँ पर आपको एक्सचेंज बोनस के ऊपर देखने को मिल सकता है। जैसे कि हम इनका, जैसे उसकी प्राइस रिवील हो गई है तो वहां पर क्या दिखा रहा है कि आपको 3000 रुपीज तो देखने को मिलेगा ऑफ कार्ड्स का, जो भी आप कार्ड्स का ऑफर लाएंगे, साथ में दोस्तों एक्सचेंज बोनस का भी आपको 3000 रुपीज ऑफ देखने को मिल रहा है। तो ये मतलब क्या होता है एक्सचेंज बोनस का? तो ये है कि अगर आप फॉर एग्जाम्पल एक आईफोन 13 खरीद रहे हैं, आपने फ्लिपकार्ट से बाय किया, तो कोई एक पुराना फोन जो भी आप एक्सचेंज करना चाहते हैं वो आपने उसको दे दिया, उसका आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट देखने को मिला, तो उस प्राइस को ये कट करके दिखा रहे हैं कि जो फाइनल ऑफर प्राइस है वो आपकी देखने को मिल जाएगी। ऐसा ही कुछ मुझे इसके साथ होने के चांसेस लग रहे हैं। आई होप कि मतलब ये चीज ना हो, अच्छी चीज है, अगर ना हो तो आप ही का फायदा, मेरा भी फायदा, जो लोग आईपैड 9 जनरेशन खरीदेंगे उनके लिए काफी बढ़िया चीज है, ना हो तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे पक्का डाउट है कि फ्लिपकार्ट कुछ ना कुछ ऐसा करेगा, यहां पर टर्म्स एंड कंडीशन लगाएगा कि आप यहां पर कुछ एक्सचेंज करिए तब आपको ये जो 19999 की प्राइस देखने को मिलेगी। मैं तो बिल्कुल चाहता हूं दोस्तों ये मेरी बात गलत हो जाए, आपको सस्ते में ही देखने को मिले, लेकिन दोस्तों कंपनी जैसा अक्सर करती है कि अपना ऐसा टीज करेंगी ताकि ज्यादा से ज्यादा जनता उस चीज को देखे कि हमें इतना सस्ता देखने को मिल रहा है, और जिस दिन सेल वाले दिन आपको पता चले कि ये थोड़ा सा आपको महंगा देखने को मिल रहा है जो प्राइस इन्होंने टीज की थी। कभी कभी कंपनी जैसा करती है, लेकिन दोस्तों डेफिनेटली मैं तो चाहता हूं कि कम से कम ये प्राइस पर आपको देखने को मिले। अब दोस्तों बात आती है कि इसको कहाँ से आपको बाय करना चाहिए, या फ्लिपकार्ट की बिग बिलियन डेज से या फिर अमेजोन से, या फिर आप इसको कैसे, अगर ये 19999 में आता है तो इसको प्री बुक वगैरह करा सकते हैं। सो दोस्तों इसके लिए आपको करना क्या होगा कि आपको जो फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज है, जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि 8 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहे हैं, जो प्राइम मेंबर्स वगैरह है उनके लिए 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएंगे, ऐसे ही सेम अमेजोन का भी है। अमेजोन की जो मतलब ऑफिशियल सेल है वो 8 अक्टूबर से है, प्राइम मेंबर्स के लिए 7 अक्टूबर से स्टार्ट हो जाएगी। तो अगर आपको खरीदना है कि लोएस्ट प्राइस में हमें खरीदना है, तो अभी तो जैसे टीजर से पता चल रहा है कि सबसे जो लोएस्ट प्राइस में ये आईपैड 9 जनरेशन देखने को मिल रहा है फ्लिपकार्ट पर ही देखने को मिल रहा है, तो आप डेफिनेटली फ्लिपकार्ट से बाय करिएगा। तो इसके लिए करना क्या होगा कि दोस्तों आपको जैसे कि पता ही है जो भी चीज लोएस्ट प्राइस में आती है, जैसे पिछले साल आईफोन 12 वगैरह आया था, आईफोन 13 वगैरह आया था, तो वहां पर काफी ज्यादा मतलब ये हो गया था कि रात को जैसे ही 12 बजे सेल चली थी उसके एक दो मिनट बाद आउट ऑफ स्टॉक हो गया था, तो ऐसी चीज यहां पर भी हो सकती है। तो यहां पर फ्लिपकार्ट ने क्या किया है इस बार कि आपको एक पास का ऑप्शन देखने को मिल जाता है, ये आपको 2000 रुपीज का एक एप्पल आईपैड 9 जनरेशन का पास देखने को मिल जाता है। इससे क्या होगा कि आपके लिए जो लोएस्ट प्राइस में जो आईपैड है वो लोक हो जाएगा, मतलब फॉर एग्जांपल आज मैंने फ्लिपकार्ट से पास खरीद लिया 2000 रुपीज का आईपैड 9 जनरेशन का, अब जब सेल चलेगी तो चाहे मतलब पूरे आईपैड बिक जाए तो भी मुझे आईपैड मिलना ही मिलना है,
तो उसके लिए क्या करना होगा कि मतलब मुझे यहाँ पर उस पास को खरीद लेना है पहले 2000 रुपीज़ का। अब जो 2000 रुपीज़ की वैल्यू है, जब दोस्तों ये लोएस्ट प्राइस में, जो भी इसकी लोएस्ट प्राइस होगी, अभी ये चीज़ भी यहाँ पर फ्लिपकार्ट ने एक तरह से गिलिच छोड़ दिया है, यहाँ पर बताया नहीं है प्राइस का, तो यार उस दिन ही जो प्राइस होगी, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए उस दिन 20,000 रुपीज़ प्राइस दिखा रहा है, तो आपके 2000 रुपीज़ का जो पास आपने खरीदा था वहाँ पर कट हो जाएगा, आपको 18,000 रुपीज़ में उसकी आप पेमेंट ऑनलाइन ही करेंगे, तब आपको वो एक तरह से डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो आपके लिए आउट ऑफ स्टॉक नहीं होगा प्रोडक्ट। तो यार ये थोड़ा सा फायदा आपके लिए हो जाएगा कि आपको लोएस्ट प्राइस में उस दिन देखने को मिल जाएगा। अगर आप पास नहीं लेते हैं, डायरेक्ट बाई करने की कोशिश करते हैं 8 अक्टूबर को लोएस्ट प्राइस में, तो हो सकता है दोस्तों आपके लिए आउट ऑफ स्टॉक हो जाए प्रोडक्ट। तो यार ये चीज थोड़ी सी देखने को मिल रही है। बाकी आपको मैं बताऊं अमेज़न के बारे में, तो अमेज़न का भी कोई भी ऐसा ऑफर्स मतलब फाइनल निकल कर नहीं आए कि कितने प्राइसिंग में आएगा, लेकिन मैं आपको ये पक्का बता रहा हूं कि आपको अमेज़न पर भी 20,000 से 25,000 रुपीज के बीच ही देखने को मिल जाएगा। अब डेफिनेटली फ्लिपकार्ट पर सस्ता होगा, ये चीज काफी टीजर वगैरह से पता चल रहा है, लेकिन ये है कि आपको अमेज़न पर भी ये 20,000 से 25,000 रुपीज के बीच में ही देखने को मिलेगा कार्ड्स वगैरह के ऑफर्स के साथ, जहां तक मुझे पता है। हो सकता है थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाए, क्योंकि यार 1-2 हज़ार रुपये इसका चलता है, वो आप देख लीजिएगा डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से चेक कर लीजिएगा। तो दोस्तों इस टाइप से कंप्लीट आपको कहानी देखने को मिलती है आईपैड 9th जनरेशन। तो अगर आप इसको बाय करना चाहते हैं तो पहले से ही पास वगैरह खरीद लीजिएगा, लेकिन दोस्तों फिलहाल इस पास खरीदने के बाद ये नॉन रिफंडेबल है, इस चीज का ध्यान। एग्जांपल आपने 2000 रुपीज आज स्पेंड करके आईपैड 9th जनरेशन का पास खरीद लिया, फिर आपको पता चलता है 8 अक्टूबर को कि इसकी प्राइस तो 23,000 है, या फिर मतलब कुछ भी एक्स वाई जेड, तो आपको लगता है कि अब मैं क्या करूं, इसका पास को वापस कर देता हूं, मेरे को नहीं खरीदना, मेरे को तो 9999 में खरीदना था, तो ऐसा नहीं होगा, वो पास आपका खराब हो जाएगा या फिर किसी को आपको देना। तो दोस्तों वो एक नॉन रिटर्न पॉलिसी के साथ आता है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। लेकिन अगर आपका मन बना ही लिया है कि अगर 22 तक आ जाता है या फिर 9999 में आता है, मैं अभी खरीद कर रख लेता हूं और 8 अक्टूबर को खरीद लूंगा, तो आप पास खरीद लीजिएगा। बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा जहां से आप ये पास वगैरह बाय कर सकते हैं। आई होप दोस्तों आपकी क्वेरीज सॉल्व हो गई होंगी। इसके अलावा दोस्तों जो आईपैड 9th जनरेशन का तो मैंने आपको बता ही दिया, 10th जनरेशन उसकी प्राइसिंग 38,000 समथिंग ही होने वाली है, और जो इनका आईपैड का M1 चिप वाला जो एक तरह आईपैड आपको देखने को मिल जाता है, वो आपको 42 से 43 के एप्रोक्स देखने को मिल सकता है। अब जो मैं एप्रोक्स बता रहा हूं, यहां पर 2 से 3,000 रुपीज ऊपर नीचे हो जाता है, वो अलग अलग कार्ड्स और ऑफर्स पर डिपेंड करता है, तो वो आप देख लीजिएगा। बाकी सारे के सारे डिस्क्रिप्शन में लिंक्स देखने को मिल जाएंगे जो कि बेस्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों सैमसंग की जो S6 लाइट है वो अमेज़न पर टीज हो गई है, वहां पर आपको 19999 ही प्राइस देखने को मिल रही है, तो वन ऑफ द बेस्ट जिसको नोट्स बनाने के लिए एक एंड्रॉइड टैबलेट चाहिए तो उसको कंसीडर कर लीजिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोस देखने के लिए थैंक यू सो मच।